हेलो बच्चों, आज हम सुनेंगे चालाक लोमड़ी और मूर्ख कौवे की कहानी। एक जंगल में एक लोमड़ी रहती थी, वो बहुत भूखी थी। वो अपनी भूख मिटाने के लिए भोजन की खोज में इधर उधर घूमने लगी। उसने सारा जंगल छान मारा, पर उसको खाने को कुछ ना मिला। तभी गर्मी और भूख से परेशान होकर वो एक पेड़ के नीचे बैठ गई। अचानक उसकी नजर ऊपर पड़ी, पेड़ पर एक कौवा बैठा था और उसके मुंह में खाने का एक टुकड़ा था। कौवे के मुंह में खाना देख उस भूखी लोमड़ी ने एक तरकीब सोची। लोमड़ी ने कौवे को कहा, कौवा भैया, तुम बहुत ही सुंदर हो। मैंने तुम्हारी बहुत प्रशंसा सुनी है। सुना है तुम गीत बहुत अच्छे गाते हो। तुम्हारी सुरीली मधुर आवाज के तो सभी दीवाने हैं। क्या तुम मुझे गीत नहीं सुनाओगे? कौवा यह सुनकर बहुत खुश हो गया और लोमड़ी की मीठी मीठी बातों में आ गया। बिना कुछ सोचे समझे कौवे ने गाना शुरू कर दिया और जैसे ही कौवे ने गाना गाया तो उसकी चोंच में जो खाने का टुकड़ा था वो नीचे गिर गया। चालाक और भूखी लोमड़ी ने झट से वह टुकड़ा उठाया और वहां से भाग गई। अब ये सब देखकर कौवा अपनी मूर्खता पर पछताने लगा। तो बच्चों, ये कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अपनी झूठी प्रशंसा से हमें बचना चाहिए, हमें दूसरों की झूठी बातों में नहीं आना चाहिए। और बच्चों, आपको अगर हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।